बच्चों, मैंने लास्ट क्लास में आपको लेबनम टॉप अर्थात अमलतास के वृक्ष की स्टोरी सुनाई थी। इसमें लेबनम एक पेड़ है, वो शांत है और शांत होने के बाद उसमें बिल्कुल शांति है, साइलेंट खड़ा हुआ है। इतने में गोल्डफिंच पक्षी आता है, वो वृक्ष के अंदर एंटर करता है और पहले वो पतली डगाल से आता है और पतली डगाल से मोटी डगाल या तने के साइड जाता है। वहाँ पर उसने बच्चे दिए होते हैं और जैसे ही वो एंटर करता है तो मशीन में छटपटाहट आ जाती है। वहाँ पर बिल्कुल ऐसा ऐसा कंपन उत्पन्न हो जाता है, छहछहाट उत्पन्न हो जाती है। तो इसको लेखक कवि ने इसकी तुलना मशीन से की है। जैसे मशीन स्टार्ट होती है और आवाज़ आती है, वो एकदम से खड़खड़ खड़खड़ वाइब्रेशन होता है, साउंड उत्पन्न हो जाता है और उसके पहले शांति होती है। ऐसे ही उसने ये बताया कि गोल्डफिंच पक्षी जैसे एंटर करता है, बच्चे चहचहाने लगते हैं और पूरे पेड़ में कंपन हो जाता है। फिर धीरे से गोल्डफिंच पक्षी धीरे धीरे उठते हुए अनंत में विलीन हो जाता है। इसी को लेबनम टॉप की स्टोरी में बताया गया है, जिसको हम अमलतास का वृक्ष कहते हैं। ठीक है, इसी के क्वेश्चन और आंसर की आज हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये हमारे पास टॉपिक था लेबनम टॉप। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लेबनम टॉप इज कॉल्ड इन योर लैंग्वेज। अपनी भाषा में लेबनम को किस नाम से जाना जाता है? तो हम इसको जनरली किसके नाम से जानते हैं? अमलतास के नाम से जानते हैं। तो इट इज कॉल्ड अमलतास इन हिंदी। इसका मतलब क्या हो गया? ये जो लेबनम वर्ड है, ये हिंदी में हमारे पास लेबनम टॉप कहलाता है। मतलब ही यहाँ पर अमलतास का वृक्ष है। सेकेंड क्वेश्चन, वॉट डू यू नोटिस अबाउट द बिगनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोयम। अर्थात पोयम की शुरुआत, कविता की शुरुआत और अंत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या नोटिस करके बैठे हुए हैं? तो आप देखिए क्या है, स्टार्टिंग में अमलतास का वृक्ष शांत रहता है, चिड़िया एंटर करती है, अपने बच्चे के पास आती है और वृक्ष में खलबली, चहचहाट, कंपन और वाइब्रेशन सब उत्पन्न हो जाता है अपने बच्चे से मिलकर। फिर चिड़िया धीरे धीरे टहनी से आकाश की ओर अनंत में उड़ जाती है। फिर वृक्ष कैसा हो जाता है? शांत हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? स्टार्टिंग में यानी बिगनिंग और एंडिंग, इन दोनों कंडीशन में पेड़ कैसा होता है? शांत रहता है। इसी को कवि ने लिखा हुआ है, द ट्री इज कॉम एंड साइलेंट इन द बिगनिंग एंड द एंड। यानी प्रारंभ में और अंत में पेड़ बिल्कुल शांत रहता है। इट एंड्स विद मोशनलेस एंड एम्प्टी लेवल। अब लास्ट में क्या होता है, चिड़िया उड़ के चली जाती है तो वहां पर कोई मोशन नहीं होता, कोई हलचल नहीं होती है और बिल्कुल शांत पड़ जाता है। इसी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू व्हाट इज द वर्ड्स मूवमेंट कंपेयर, व्हाट इज द बेसिस फॉर द कंपैरिजन। इसका मतलब क्या हो गया? उसने पक्षियों के चाल की तुलना किससे की है? द वर्ड्स मूवमेंट, वर्ड्स मूवमेंट कंपैरिजन किससे कंपेयर किया है? एंड व्हाट इज द बेसिस फॉर कंपैरिजन, इसके कंपैरिजन का आधार क्या है? ये इसको यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन है, टू व्हाट इज द वर्ड्स मूवमेंट कंपेयर, व्हाट इज द बेसिस फॉर कंपैरिजन और कंपैरिजन का आधार क्या है? तो देखिए आंसर है, द वर्ड्स
मूवमेंट इज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ लिजार्ड। लिजार्ड यानी क्या हो जाता है, छिपकली होती है, छिपकली। ठीक, मूवमेंट यानी हलचल, ठीक है। कंपैरिजन यानी तुलना। तो कवि ने बर्ड्स की हलचल की तुलना छिपकली से की हुई है। छिपकली देखो चिकनी होती है, अचानक चलती है और हमेशा अलर्ट होके मूवमेंट करती है। तो देखिए, द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन इज स्लीक। स्लीक यानी क्या हो गया, चिकनी। एब्रप्ट यानी इसका मतलब क्या हो गया, ये चिकनी रहती है। एब्रप्ट का मतलब क्या होता है, अचानक, अचानक। और अलर्ट का मतलब क्या होता है, सावधान। तो हमारे पास क्या हो जाता है, जैसे छिपकली बिल्कुल चिकनी, सावधान और अचानक चलती है, वैसे यहाँ पर चिड़िया भी आई है, बहुत चिकनी है और अचानक अंदर गई, उड़ के चली जाती है। द बर्ड्स सेम व्हेन इट इज अराइव ऑन द लेबनम टी। तो बिल्कुल वैसे ही क्या हो जाती है आपके पास, जो गोल्ड फिंच पक्षी आता है तो बर्ड के ये पेड़ के अंदर क्या हो गया, इस डाल पे धीरे धीरे आता है, ऐसा देखता है बिल्कुल चिकना पक्षी है, उसके पर कैसे चिकने हैं, बिल्कुल सावधान रहता है और यहाँ वहाँ अचानक वो क्या होता, अंदर अंदर एंटर करता है, क्योंकि उसमें अंडे बच्चे दिए होते हैं। इसलिए लेबनम टी में पक्षी की तुलना एक छिपकली से की गई है। इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में इसके बाकी क्वेश्चन में एंड करा दूंगा।